प्रिय छात्रों, कक्षा 11वीं व्यावसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम विभिन्न विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं जो हैं इनके बारे में हम जान रहे थे, समझ रहे थे। विभिन्न वित्तीय संस्थाएं जो हैं वे संस्थाएं हैं जो लघु, मध्यम एवं बृहद उद्योगों के व्यावसायिक वित्त की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभिन्न जो विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं ये लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बृहद उद्योगों को ये जो है व्यावसायिक वित्त को पूरा करती हैं। ये केवल जो है व्यवसाय के लिए वित्त ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि व्यवसाय उद्योग के प्रवर्तन एवं विकास संबंधी कार्यों में भी अपना सहयोग प्रदान करती हैं। तो जहां एक ओर ये व्यापार व्यवसाय उद्योग की स्थापना के लिए जो है पूंजी उपलब्ध कराती हैं, वहीं दूसरी ओर व्यापार व्यवसाय उद्योग के प्रवर्तन के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, उसका विकास के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए भी जो है समय समय पर अपना मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न विशिष्ट वित्तीय संस्था और विकास निगमों की स्थापना की गई है, जिसके बारे में हमने पूर्व में पढ़ा है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक साख निगम और राज्य वित्त निगम। आज हम देखते हैं यहाँ पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम UTI के नाम से जानते हैं, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम और मुद्रा बैंक आदि, ये जो विभिन्न विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो जो प्रथम है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1964 को विभिन्न विशेष अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य जो है देश में स्थापित वित्तीय संस्थाओं और बैंक वित्त के समन्वयकर्ता के साथ साथ उनका मार्गदर्शन करना। 1 अक्टूबर 2004 में इसे जो है वाणिज्यिक बैंकिंग कंपनी के रूप में परिवर्तित किया गया। अब इसके जो बैंक के प्रमुख कार्य हैं, औद्योगिक उपक्रमों को प्रत्यक्ष ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना तथा उनके ऋण पत्रों व अंशों का अभिगोपन करना और उन्हें खरीदना, ये जो है इसका प्रमुख कार्य है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जो है ऋण और अग्रिम प्रदान करना, साथ ही उनके अंश पत्र और ऋण पत्रों को खरीदना एवं उनको अभिगोपित करना, फिर वित्तीय संस्थानों की प्रतिभूतियों को क्रय करना अथवा प्रार्थित करना, फिर औद्योगिक उपक्रमों को उनके प्रतिज्ञा पत्र या बिलों की कटौती करके जो है अथवा स्थगित भुगतानों की गारंटी करके उन्हें ऋण प्रदान करना, और उद्योगों के प्रवर्तन विकास हेतु तकनीकी प्रशासनिक सलाह देना, साथ ही देश में औद्योगिक विकास हेतु विनियोग एवं विपणन संबंधी अनुसंधान कराना और तकनीकी सर्वेक्षण जो है नियोजित करना, ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड के प्रमुख रूप से कार्य है। दूसरा जो है यहाँ पर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये जो है दिसंबर 1963 में पारित किया गया, जिसमें 1 जुलाई 1964 से इसने अपनी इकाइयों की बिक्री प्रारंभ की। इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में है। इसका उद्देश्य जो है यूनिट्स के माध्यम से छोटी छोटी बचतों को स्वीकार कर उसे विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार विनियोजित करना जिससे कि न्यूनतम जोखिम पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसके जो कार्य हैं, ये क्या करती है, अपनी यूनिट के विक्रय के आधार पर छोटे विनियोगकर्ताओं को बचतों को एकत्रित करती है। UTI जो है वो अपने छोटे छोटे यूनिटों को जो है विभिन्न विनियोगकर्ता जो छोटे छोटे बचत करता है उनको बेचती है, फिर इन बचत को जो है निजी साधनों सहित औद्योगिक उपक्रम के अंश एवं ऋण पत्र में विनियोजित करती है। यूनिट्स के माध्यम से जो बचत प्राप्त होती है उनको बड़े औद्योगिक उपक्रमों में अंश और ऋण पत्र के रूप में उस अमाउंट को जो क्या करती है विनियोजित करती है, फिर विनियोग से प्राप्त आय में से यूनिट के खरीदारों को निर्धारित दर से लाभांश प्रदान करती है। तो यहां पर ऐसे निवेशकर्ता जो कि सीधे बड़ी औद्योगिक इकाइयों में अपनी पूंजी लगाने से डरते वो यहां पर यूनिट्स के माध्यम से जो है कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को प्राप्त करते हैं और अपनी लगाई गई पूंजी को सुरक्षित रूप से उसमें लाभांश UTI के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और उसके कार्य, फिर इसका जो लाभ या महत्व है ये क्या करता है, छोटे विनियोगकर्ता जो प्रत्यक्ष रूप से
अपनी पूंजी का विनियोग कंपनियों के जोखिम पूर्ण संतांश पूंजी में नहीं करना चाहते, वे इसके माध्यम से कंपनी की समता अंश पूंजी में भागीदारी बन जाते हैं। जो अभी बताया गया ऐसे विनियोगकर्ता जो कि डायरेक्ट कंपनियों में अपनी पूंजी को लगाने से डरते हैं, यूटीआई के माध्यम से जो है उनके यूनिट्स खरीद कर जो है एक निश्चित दर से लाभांश वो प्राप्त करते हैं और यहाँ पर जो है यूटीआई के माध्यम से कंपनी की समता अंश पूंजी में भागीदारी वो बन जाते हैं। तो इसके लाभ या जो महत्व है वो है, छोटे विनियोक्ता इसके यूनिट खरीद कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, छोटे विनियोक्ताओं को इसमें विनियोजित पूंजी क्या होती है, सुरक्षित रहती है, इसमें विनियोजित पूंजी जो है क्या तरल होती है, कभी भी यूनिट जो है कभी भी वापस करके यूनिट ट्रस्ट को निर्धारित दर पर बेची जा सकती है, जो उसमें हमें करंट में यूनिट की जो दर है उस दर पर जो है विनियोक्ता यहाँ पर वापस उन यूनिट्स को बेचकर अपनी पूंजी को वापस प्राप्त कर सकता है, अर्थात ये पूंजी इसमें लगाई जो जाती है वो क्या है, तरल होती है। फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जो है पूंजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और अंतिम जो है इसके अंतर्गत जो है लाखों लोगों को कर्मचारी और एजेंट के रूप में रोजगार की प्राप्ति यहाँ पर होती है। तो ये यूटीआई का जो लाभ है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, उसके लाभ और उसके महत्व। इसके बाद है निर्यात आयात बैंक, जिसको हम एक्जिम बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना जो 1982 में हुई, इसका उद्देश्य जो है आयातक एवं निर्यातकों को दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। जो विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं माल को खरीदने और माल को विदेशों में बेचने के लिए दीर्घकालीन रूप से लंबे समय तक के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है। ये विदेशी व्यापार सेवाओं और उनसे संबंधित क्रियाओं को प्रोत्साहन के लिए स्थापित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करती है। एक्जिम बैंक का जो नेतृत्व बोर्ड है वो बोर्ड सदस्यों में वरिष्ठ नीति निर्माता, विशेषज्ञ बैंकर, उद्योग व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख हस्तियां और निर्यात आयात तथा वित्तीय प्रोफेशनल शामिल होते हैं। वर्तमान में बैंक का जो बोर्ड है वो 12 निदेशकों से मिलकर बना हुआ है। इसके जो कार्य हैं, ये बैंक जो है जो बताया निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में वित्त प्रदान करता है, फिर लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम करता है, छोटे आकार के लघु उद्योग और मध्यम उद्योग जो हैं उनके प्रवर्तन के लिए, उनकी स्थापना के लिए जो है ये ग्रोथ इंजन के रूप में काम करता है उनको बढ़ाने के लिए। फिर टेक्नोलॉजी आयात निर्यात योग्य उत्पादकों के विकास करता है, निर्यात उत्पादन, निर्यात मार्केटिंग व विदेशों में निवेश के लिए ये सहायता प्रदान करने का कार्य करता है एक्जिम बैंक। इसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, ये जो है 1956 के अंतर्गत एक वैधानिक निगम के रूप में LIC की स्थापना की गई। इस निगम का जो उद्देश्य है वो जीवन बीमा व्यवसाय को चलाना था, परंतु इसके साथ ये अपने मूल कार्य के साथ जो है विशिष्ट वित्तीय संस्थान की श्रेणी में भी वर्तमान में सम्मिलित है। तो ये जो है एक प्रमुख वित्तीय संस्थान की श्रेणी में प्रमुख संस्थागत विनियोक्ता की स्थिति इसने प्राप्त कर ली है। तो ये जो जीवन बीमा व्यवसाय के चलाने के साथ साथ ये जो है वर्तमान में व्यापार व्यवसाय उद्योग के लिए एक विशिष्ट रूप से विशिष्ट वित्तीय संस्थान के रूप में भी स्थापित हो गया है। ये वर्तमान में जो है औद्योगिक उपक्रम के अंशों को भी खरीदता है, उनको अभिकोपित भी करता है और वहीं लघु मध्यम व बृहद उपक्रमों को जो है ऋण प्रदान भी ये करता है। इसके अतिरिक्त तो जो है ये निगम सरकारी प्रतिभूतियों में भी विनियोग करता है तथा सरकार की गारंटी पर अथवा संपत्ति बंधक रखकर जो है आवास कार्य, हाउस लोन वगैरह, विद्युत उत्पादन एवं वितरण तथा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना आदि के लिए भी ये ऋण प्रदान करता है भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके बाद है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक की जो स्थापना यहां पर की गई 15-16 के बजट में वित्त मंत्री के द्वारा की गई, उद्यमियों के लिए मुद्रा बैंक के गठन का जो उद्देश्य था, इसका प्रारंभिक कोष जो है 20,000 करोड़ तथा ऋण गारंटी कोष 3,000 करोड़ का निर्धारित किया गया था। मुद्रा बैंक जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है पुनर्वित्त संस्थान है। इस योजना के अंतर्गत जो है बिना गारंटी के लोन दिया जाता, किसी भी प्रकार की कोई इसमें गारंटी नहीं ली जाती।
साथ ही कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता। लोन लेते समय जो भी प्रोसेसिंग चार्ज है वो इनके द्वारा इस योजना के अंतर्गत नहीं लिया जाता। वहीं मुद्रा योजना में ऋण चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। एक निर्धारित अवधि तक, जिस अवधि तक के लिए ऋण लिया गया उस अवधि से यदि उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 5 वर्ष तक के लिए आगामी उसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है जिसकी मदद से कारोबारी जरूरत पर आने वाले वित्त की पूर्ति की जाती है। तो ये मुद्रा योजना के अंतर्गत जो कार्य हैं सरकार के, इस प्रयास से इन लोगों को अपने व्यापार का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। मुद्रा बैंक जो है इन उद्यमियों को मौजूदा व्यवस्था में ऋण लेने की जटिल और औपचारिक प्रणालियों को दूर करने में ये मददगार होता है। ये मुद्रा बैंक से आशय। कुछ अभ्यास प्रश्न भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पर नोट लिखते हुए इसके कार्यों को समझाइए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कार्यों और इसके महत्व को समझाइए। निर्यात आयात व एक्जिम बैंक के कार्यों को समझाइए। भारतीय जीवन बीमा निगम जो है औद्योगिक संस्थान के लिए किस प्रकार से वित्तीय मदद करता है इसको समझाइए। और मुद्रा बैंक से आशय व मुद्रा योजना क्या है इसे आप समझाइए। Ahem.